नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। तो एक नई सीरीज हमने यहां पर स्टार्ट करी है आपके एमपीपीएससी और व्यापम एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें मैं आपको मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इससे पहले एक सेशन मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर बताए थे। उसका अक्षांशीय देशांतर यहाँ पर विस्तार क्या है ना, पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे, इन सब चीजों की एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको बताई है, जिसके ऊपर डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज है और इसी सीरीज को आपको फॉलो करना है। पार्ट वन कंप्लीट हो जाए उसके बाद पार्ट टू आप देखिएगा। इसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी आपके लिए प्रोवाइड करी हुई है, तो उससे आपको वीडियो को ढूंढने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन यहाँ पर होगा, इसमें हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, जिसको हम डिवीजन यहाँ पर कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसको हम जिले यहाँ पर कहते हैं, उनके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैप के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये सब चीजें याद करने में कोई परेशानी ना हो, और एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे व्यापम के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन यहाँ पर कराए जाते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जिसमें भी मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो टोटल संभाग हैं, है ना, उनका नंबर कितना है, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम संभाग के बारे में बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश का जो संभाग आज के टाइम पीरियड पर, मतलब जो वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश का, उसमें अगर हम यहां पर देखेंगे तो टोटल आपको 10 संभाग जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब मैं मध्य प्रदेश का गठन आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पर जो संभाग है उनका नंबर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, छत्तीसगढ़ के बनने के बाद क्या सिचुएशन यहां पर हुई। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हम पढ़ेंगे, तब उसके बाद में ये चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम जिलों के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो टोटल जिले हैं वो कितने हैं, ठीक है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मध्य प्रदेश में जो जिले हैं टोटल वो कितने हैं। भाई, मध्य प्रदेश में जिलों का जो नंबर है वो आपको टोटल 52 यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आज के टाइम पीरियड पर 52 जिले हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यहां पर क्या है कि हम जो अलग अलग तरीके के संभाग हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 10 संभाग कौन से हैं, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उस संभाग की सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है, वो चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जिलों से मिलकर संभाग बनता है। ठीक है, मतलब एक संभाग में बहुत सारे जिले हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे जो संभाग है वो आपको निर्धारित होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले आज जो मैं यहां पर संभाग के बारे में बात करूंगा, इसमें हम जबलपुर संभाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जबलपुर संभाग अगर हम यहां पर देखें तो जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं जो यहां पर निकलकर सामने आते हुए दिखाई देंगे, तो देखिए सबसे पहली बात मैं यहां पर मैप के थ्रू आपको बता रहा हूं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जबलपुर संभाग में जबलपुर यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कटनी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कटनी के बाद अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये सिवनी वाला जो इलाका है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब सिवनी जिला इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो इसमें नरसिंहपुर भी आएगा, तो इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि नरसिंहपुर को भी हम यहां पर कवर कर लें, क्योंकि इसमें देखिए जबलपुर आता है ना, कटनी आता है, फिर उसके बाद नरसिंहपुर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बालाघाट भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद सिवनी आपको देखने को मिलेगा, फिर यहां पर आपको मंडला देखने को मिलता है, फिर छिंदवाड़ा देखने को मिलता है, फिर डिंडोरी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं कि इसको इस तरीके से यहां पर इंक्लूड करता हूं। ठीक है, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, और ये डिंडोरी, तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं, ये सारे के सारे जो जिले हैं, ये किसके अंतर्गत कवर होते हैं, ये आपको जबलपुर संभाग के अंतर्गत कवर होते हैं। ठीक है, आपसे ना पेपर में, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो जबलपुर संभाग में नहीं आता है ना, इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जो यहां पर बात कर रहे हैं, इसमें हमने देखा कि भाई यहां पर आपका जो पहला संभाग है यह आपका जबलपुर संभाग है जो हम कवर कर रहे हैं, और जबलपुर संभाग में टोटल कितने जिले यहां पर आ रहे हैं, तो जबलपुर संभाग में जिलों का जो संख्या है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 8। ठीक है, कभी कभी ना आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसको, है ना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में यहां पर जमाओ आप, है ना, कि
कौन से संभाग में कितने यहाँ पर जिले हैं उसके बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आठ जो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये सारे इसके अंतर्गत कवर होते हैं, जिसमें जबलपुर खुद भी एक जिला भी है ना, कटनी हो गया, डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। तो ये टोटल आठ जो जिले हैं ये जबलपुर संभाग में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग आपको यहां पर जबलपुर संभाग जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो आपको जबलपुर संभाग देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल आठ जिले हैं जो मैंने यहां पर ये मार्क किए हुए हैं, ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, अब अगली बात हम यहां पर करते हैं, हमारा जो अगला संभाग है इसमें हम इंदौर संभाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो इंदौर संभाग है, ठीक है, उसमें कौन कौन से जिले आएंगे, कौन कौन से यहां पर आपको लोकेशंस देखने को मिलेंगी, अब इनके बारे में हम यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हम इंदौर संभाग के बारे में बात करें तो इसमें जो टोटल जिले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये भी आठ आपको देखने को मिलेंगे, और जनसंख्या की दृष्टि से मतलब किस संभाग में सबसे ज्यादा संख्या यहां पर रहती है, जनसंख्या है, सो जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है जो आपको देखने को मिल रहा है, कि दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, यह आपको इंदौर संभाग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है ना, आपके जो भी एग्जामिनेशन हो, पीएससी वाला हो या व्यापम वाला हो, वहां पर ये सब क्वेश्चन बड़े नॉर्मल से होते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, मैंने ये पढ़ा था, अब सही पढ़ा था कि गलत पढ़ा था, ये पता नहीं है। ठीक है, तो इंदौर संभाग में भी जैसे जबलपुर संभाग में आठ जिले थे, उसी तरीके से इंदौर संभाग में भी आपको आठ जिले देखने को मिलेंगे। कौन कौन से जिले हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आप यहां पर देखोगे तो आपको इंदौर देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद ये धार हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपको झाबुआ देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद ये खरगोन आपको देखने को मिलेगा, खंडवा आपको देखने को मिलेगा, बुरहानपुर आपको जो है ये इंदौर संभाग में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बड़वानी जो यहां पर जिला है और अलीराजपुर, मतलब अगर हम यहां पर देखेंगे तो इंदौर में आपको कौन कौन सी जगह देखने को मिल रही है, ये खंडवा आपको देखने को मिल रहा है, बुरहानपुर आपको देखने को मिल रहा है, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, धार हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर ये अलीराजपुर हो गया, और ये झाबुआ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे जो यहां पर जिले हैं, ठीक है, ये किसमें कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपको इंदौर संभाग में कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको जबलपुर संभाग बताया था, जिसमें जबलपुर हो गया आपका, कटनी हो गया, नरसिंहपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, मंडला, डिंडोरी, है ना, ये सारे जो मैंने आपको ये चार और चार आठ, ठीक है, यहां पर बताए हैं ये कौन से थे, ये जबलपुर संभाग वाले थे। और उसी तरीके से यहां पर इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ठीक है, ये सारे जो आठ जिले हैं ये आपको इंदौर संभाग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका बस यही है कि मैं जिस तरीके से आपको मैप दिखा रहा हूं, है ना, मैप आप देखते रहो तो मैप से चीजें जो है वो आपको बहुत आसान यहां पर देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा जबलपुर में और इंदौर में सबसे ज्यादा जिले हैं जिनका नंबर दोनों में आपको आठ आठ यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम अगला संभाग यहां पर देखने वाले हैं जिसको बोलेंगे भोपाल संभाग। ठीक है, भोपाल संभाग में टोटल कितने जिले हैं, अब उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भोपाल संभाग में जो टोटल जिले आपको देखने को मिलेंगे इनका नंबर कितना है, इनका नंबर आपको टोटल पांच देखने को मिलेगा, मतलब भोपाल संभाग में पांच जिले हैं जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं, जैसे भोपाल हो गया आपका, है ना, विदिशा हो गया, फिर उसके बाद यहां पर रायसेन हो गया, है ना, उसके बाद ये आपका सीहोर हो गया, है ना, और राजगढ़। तो यहां पर ये क्या है, ये सारे के सारे जिले जो हैं ये आपको भोपाल संभाग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहां से ये सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, ये विदिशा हो गया, या आपको यहां पर राजगढ़ देखने को मिल रहा है। तो ये पांच जो जिले हैं, है ना, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये आपको भोपाल संभाग में देखने को मिलेंगे। जिस भी संभाग से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं जो आपको यहां पर देखने को
मिल रहे हैं। ठीक है भाई, अब अगली बात हम यहां पर करते हैं, अगला जो हमारा संभाग है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो अगला संभाग आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ग्वालियर संभाग। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्वालियर संभाग। अब ग्वालियर संभाग में जो टोटल जिले हैं, ठीक है, वो कितने हैं, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर देता हूं। तो ग्वालियर संभाग में जो टोटल जिले आपको देखने को मिलेंगे, इनका नंबर यहां पर कितना है, इनका नंबर भी आपको टोटल 5 यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो ये 5 जिले जो हैं ग्वालियर संभाग में, ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ग्वालियर हम देख लेते हैं लोकेशन पे कहां पर है। तो ये आपको ग्वालियर देखने को मिल रहा है। तो ग्वालियर संभाग में आपको ग्वालियर मिलेगा, शिवपुरी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको गुना देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, फिर उसके बाद ये गुना हो गया, उसके बाद अशोकनगर हो गया और दतिया। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो ये सारी की चीजें हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा अशोकनगर और ये गुना होते हुए ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ये जो पूरा रीजन है ये आपको ग्वालियर संभाग में देखने को मिलेगा। तो 5 जिले कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका ग्वालियर, एक हो गया आपका दतिया, फिर हो गया शिवपुरी, फिर हो गया अशोकनगर और गुना। ये 5 जो जिले हैं ये आपको ग्वालियर संभाग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी है अभी, अभी मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हमारी क्लासेस, हमारे जो अलग अलग वीडियोस यहां पर आएंगे, उसके बाद फिर आपको कंप्लीट जानकारी जो है वो यहां पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब अगली बात हम करने वाले हैं, अगला जो हमारा है वो है रीवा संभाग। ठीक है, तो रीवा संभाग के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम रीवा संभाग के बारे में देखेंगे तो देखिए रीवा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। रीवा संभाग में जो टोटल जिले हैं उनका नंबर कितना है, उनका नंबर है 4। इसमें कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको रीवा देखने को मिलेगा, सतना देखने को मिलेगा, सीधी देखने को मिलेगा और सिंगरौली। ये 4 जो जिले हैं ये आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये आपको सतना, ठीक है, तो इसमें आपको ये 4 जिले जो हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी और सिंगरौली, ये आपको 4 जिले जो हैं ये आपको रीवा संभाग में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रीवा संभाग के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका रीवा संभाग, और रीवा संभाग में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो टोटल जिले हैं ये कितने हैं, ये आपको 4 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप मैप के बेसिस पे चीजों को याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो चीजें आपके लिए ज्यादा यूजफुल यहां पर होने वाली है। अब हम अगला जो यहां पर संभाग है, इसमें हम उज्जैन संभाग के बारे में बात करेंगे। देखिए भोपाल जो है और रीवा संभाग हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इंदौर संभाग बता दिया, जबलपुर संभाग पढ़ा दिया, अब जो हम यहाँ पर ग्वालियर संभाग भी पढ़ा दिया, अब उज्जैन संभाग के बारे में बात करेंगे। तो उज्जैन संभाग में अगर हम बात करेंगे तो जिले जो इसमें टोटल आपको देखने को मिलेंगे इनका नंबर कितना है, इनका नंबर है 7। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 2 संभाग थे, जिसमें मैंने इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग के बारे में बात करी थी, तो उसमें 8-8 जिले थे, लेकिन उज्जैन संभाग दूसरे नंबर पर जिला है जिसमें आप संभाग है जिसमें आपको सबसे ज्यादा जिले देखने को मिलेंगे, टोटल 7। तो उज्जैन संभाग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उज्जैन पर अपनी लोकेशन बनाते हैं। ये है उज्जैन, उज्जैन में देखोगे अगर आप तो उज्जैन आपको देखने को मिलेगा, आपको नीमच देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो देवास है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा देवास जो है ये उज्जैन संभाग में आता है। ठीक है, तो उज्जैन हो गया आपका, उसके बाद नीमच हो गया आपका, फिर उसके बाद देवास हो गया, फिर रतलाम हो गया, है ना, उसके बाद मंदसौर हो गया, उसके बाद साजापुर हो गया यहां पर। ठीक है, साजापुर जो है ये भी आपको किसमें देखने को मिलेगा, ये भी आपको उज्जैन संभाग में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आगर मालवा। तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, ये नीमच हो गया आपका, ठीक है, मंदसौर हो गया आपका, ठीक है, रतलाम हो गया, ठीक है, उसके बाद ये उज्जैन हो गया, ठीक है, उज्जैन के बाद अगर हम यहां पर जाएंगे तो ये साजापुर हो गया, ठीक है, और यहां पर ना हमको थोड़ा सा इधर भी जाना पड़ेगा देवास में, ठीक है, देवास को भी इंक्लूड करना है, तो मैं यहां से आया और ये वाला पोर्शन जो है पूरा उज्जैन हो गया और ये आपका देवास यहां पर देखने को मिल रहा है, ये चीज यहां पर हो गई, उसके बाद ये साजापुर यहां पर हो गया, ठीक है, साजापुर के बाद ये आगर मालवा, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये किसका है, ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो पूरा स्थान है ये आपको उज्जैन संभाग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, सागर, साजापुर एंड देवास, ठीक है, तो ये 2 और ये 4 और ये 3 7, तो टोटल 7 जिले हैं जो उज्जैन संभाग में आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने उज्जैन संभाग की जानकारी आपको दे दी। उसके बाद अगला जो हमारा यहां पर संभाग है इसको हम बोलते हैं चंबल संभाग। ठीक है, तो चंबल संभाग में केवल 3 आपको जिले देखने को मिलेंगे,
ठीक है। और ये तीन जिले कौन कौन से? मुरैना, भिंड, ठीक है, और उसके बाद ये श्योपुर। ये जो टोटल तीन है ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। थीके? तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो है मुरैना, एक है भिंड और एक है आपका श्योपुर। तो ये तीन जो यहां पर आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, जिले देखने को मिल रहे हैं, ये चंबल संभाग के अंतर्गत यहां पर आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से संभाग में कौन सा जिले आता है ना, मैच करने को भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, नंबर भी पता होना जरूरी है। तो इसमें टोटल आपको जो जिले देखने को मिलेंगे उनका नंबर कितना है? तीन। तो चंबल संभाग में तीन जिले हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला संभाग है इसको हम बोलते हैं नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। ये है आपका नर्मदापुरम संभाग। अब ये जो नर्मदापुरम संभाग यहां पर है, सबसे पहले हमको इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सन 2008 में, ठीक है, ये बात कब की हो रही है? सन 2008 में। पहले इसका नाम 2008 में होशंगाबाद जो संभाग है उसका नाम बदलकर इसको रख दिया गया नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। होशंगाबाद संभाग जो है नाम बदल दिया गया उसका, का नाम बदला गया, ठीक है। और उसको हमने यहां पर क्या रख दिया? उसको रख दिया हमने नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी ध्यान रखनी है। इसमें अगर हम टोटल जिले के बारे में बात करेंगे तो नर्मदापुरम संभाग में टोटल आपको तीन जिले जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये तीन जिले जो है नर्मदापुरम संभाग में कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको होशंगाबाद देखना पड़ेगा, ठीक है। होशंगाबाद यहां पर है, तो ये हो गया आपका होशंगाबाद, ये हो गया आपका हरदा और ये हो गया आपका बैतूल, ठीक है। तो ये तीन जिले जो है ये आपको नर्मदापुरम संभाग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने कितने संभाग डिस्कस किए अभी तक? नौ संभाग डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक हो गया आपका जबलपुर संभाग सबसे पहले, फिर उसके बाद इंदौर संभाग, फिर भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, उज्जैन संभाग, चंबल संभाग एंड नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए भाई? ये टोटल आपके नौ संभाग जो हैं वो मैंने कवर कराए। उसके बाद जो आखिरी हमारा संभाग है इसको हम बोलते हैं शहडोल संभाग, ठीक है। तो शहडोल में आप तीन चीजें देखोगे, है ना। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है आपका शहडोल। तो शहडोल में आपको तीन जिले यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तीन जिले कौन कौन से हैं ये देखिए, ये तीन जिले आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो तीन जिले में हो गए आपके, एक तो हो गया शहडोल, है ना, दूसरा हो गया आपका उमरिया और तीसरा जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है अनूपपुर। तो ये हो गया आपका शहडोल संभाग, ठीक है। ये है आपका शहडोल संभाग। और शहडोल संभाग में जो टोटल जिले हैं उनका नंबर कितना है? उनका नंबर है तीन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, वो यहां पर ये बताई जा रही है आपको कि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, ठीक है, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, मतलब कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, दोनों की दृष्टि से ये सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। दोनों की दृष्टि से ये या सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। सबसे बड़े के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि एरिया की वाइज अगर हम देखेंगे तो वो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो है जबलपुर संभाग, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन के वाइज देखेंगे तो वो इंदौर है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो शहडोल संभाग जो है वो आपको सबसे छोटा यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको यहां पर बताई है, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको सभी तरीके के जो संभाग होते हैं उनके बारे में जानकारी यहां पर प्रोवाइड करी है, ठीक है। एक बार ना हम क्या करते हैं कि एक पूरे कंप्लीट मैप में मैं आपको चीजें बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी रहे और आसानी से आप मैप वगैरह पर भी चीजों को लोकेट कर सको, ठीक है। अगर हम जबलपुर संभाग के बारे में बात करेंगे तो जबलपुर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ये हो गया आपका जबलपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कटनी हो गया, ठीक है, ये कटनी वगैरह हो गया। अच्छा, इसमें मैंने शायद एक संभाग जो है वो आपको नहीं बताया ना, ठीक है, तो मैंने एक संभाग यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। टोटल जो है वो हमने चीजें जो है वो डिस्कस तो करी है लेकिन एक संभाग छूट गया, जैसे एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ, नौ ही संभाग हमने डिस्कस किए। चलिए अच्छा हुआ याद आ गया, ठीक है। तो एक संभाग जो है वो यहां पर कौन सा है? एक संभाग जो हमने छोड़ा है उसको हम बोलते हैं सागर संभाग, ठीक है। तो सागर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम सागर के बारे में बात करेंगे तो सागर में क्या क्या चीजें आती हैं? सागर में आपको पन्ना हो गया, ठीक है, दमोह हो गया, फिर उसके बाद छतरपुर हो गया, है ना, फिर उसके बाद आपको टीकमगढ़ जो है यहां पर देखने को मिलेगा और ये निवाड़ी है ना, मतलब ये सागर हो गया आपका ये पूरा, फिर उसके बाद ये टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, छतरपुर हो गया, ठीक
ठीक है। उसके बाद ये जो है ये पन्ना दमोह, ये जो पूरे के पूरे जिले हैं ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, ये आपको सागर संभाग में यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो टोटल जिले यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इनका नंबर कितना है, तो ये है आपका सागर संभाग, ठीक है, ये हो गया आपका सागर संभाग। और सागर संभाग में जो टोटल जिले हैं उनका नंबर कितना है, उनका नंबर आपको टोटल 6 यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको सागर मिल गया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, ये 6 जिले हैं जो आपको सागर संभाग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट में यहां पर मैं चीजें आपको बताऊं, तो अगर हम जबलपुर में देखेंगे, है ना, तो जबलपुर में जो है वो टोटल 8 जिले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंदौर में जो संभाग है हमारे उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें भी आपको 8 जिले देखने को मिलेंगे। भोपाल संभाग जो है उसमें आपको टोटल 5 जिले देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद ग्वालियर जो संभाग है हमारा, ग्वालियर संभाग में टोटल कितने जिले, एक इसकी लिस्ट बना लो आप, है ना, तो इसमें भी आपको 5 देखने को मिलेंगे। फिर रीवा संभाग जो है उसमें 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे, रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैन संभाग जो है, उज्जैन संभाग में कितने मिलेंगे भाई, उज्जैन संभाग में आपको टोटल 7 मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सागर जो संभाग है, सागर में आपको टोटल 6 देखने को मिलेंगे। फिर जो होशंगाबाद संभाग था जिसका 2008 में नाम बदलकर नर्मदापुरम यहां पर कर दिया गया, इसमें आपको टोटल 3 देखने को मिलेंगे। और शहडोल जो है उसमें भी आपको टोटल 3 यहां पर जो जिले हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है, ठीक है, मतलब कि अगर हम एरिया वाइज देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो आपका जबलपुर है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा यहां पर जो संभाग है वो आपको इंदौर देखने को मिलेगा। और शहडोल जो है ये क्षेत्रफल, ठीक है, वह जनसंख्या दोनों के हिसाब से जो है ये सबसे छोटा संभाग आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, कि भाई मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, है ना, जो अलग राज्यों की बाउंड्री को टच करते हैं, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, उन सब चीजों की जानकारी मैं आपको अगले सेशन में प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी अभिव्यक्ति जरूर बताइएगा कि आपको सेशन यहाँ पर कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।